बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे गार्लिक पोटैटो रिंग्स। उसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको छीलने के बाद मैंने बॉईल कर दिए हैं। अब इसको मैं जिम में डाल के इसको मैं ड्राई करता हूँ। ये देखिए जी, हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। अभी इसको मैं ना ये मैश कर लेता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि ये जितने बारीक होंगे उतने ज़्यादा अच्छा हमारा बनेगा ये रिंग। गार्लिक पोटैटो रिंग्स के लिए मैंने लिया एक छोटा सा प्याज लिया, इसको मैं चॉप कर दूंगा, ग्राइंड कर लूंगा बल्कि, और इसको भी चॉप करना है और इसको भी ग्रीन ऑनियन को भी चॉप करना है। ये देखिए जी, मैंने 2 चम्मच लिए हैं, ऑयल के लिए लें, मक्खन ले लें, घी ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको पास अवेलेबल है। ये जी ऑयल का तो मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट है, और तकरीबन वो जो मैंने ओनियन ग्राइंड किया था वो भी इसी के अंदर मैंने डाल दिया था। ये देखिए, इसको हल्का सा ब्राउन करना है, उसके बाद इसके अंदर मैदा डालेंगे। 40 ग्राम मैदा मैंने लिया है इसके लिए। गार्लिक पेस्ट और ओनियन पेस्ट हमारी जो है ना हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, इसमें तकरीबन 3 चम्मच मैं पानी डालता हूँ। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह ताकि जले नहीं। इसके अंदर अभी मैं 40 ग्राम मैदा डालूँगा। मैदा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैदा और इसका जो लहसुन का पेस्ट और ओनियन का पेस्ट है, उसका ये मैदा डालने से एक पेस्ट सी बन गई है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए जी, हमारा जो ये बैटर था ये बन चुका है गार्लिक का और मैदे का। इसको अभी मैं उतार लेता हूँ। आलू को मैश कर लिया था, अंदर डाल दिया मैंने, और अभी इसको मिक्स कर लेता हूँ। मैं काट रहा हूँ इसका, ज़्यादातर हम लोगों ने जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा है वो यूज़ करना है, तो इसको बारीक बारीक काट लें। अभी इसको मैं काट रहा हूँ, इसके बाद इसको और बारीक करूँगा ताकि जब हम लोग रिंग बनाएं उसके अंदर ये फिर डिस्टर्ब ना करे। ये रिंग बनाते हुए ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर रिंग सही बनेगी नहीं, हमारे रिंग टूट जाएंगे। जो फ्रेश कोरिएंडर था उसको भी मैं बारीक बारीक काट रहा हूँ। इन सबको अच्छी तरह बारीक कर लेते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही ये हमारे रिंग बनाने में आसानी होगी हमें। टिंडर और ये जो ग्रीन ऑनियन था इसको ग्राइंड अच्छी तरह मैंने चॉप करने के बाद इसके अंदर डाल दिया। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथों से मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही मिक्स नहीं होगा। ये देखिए, इसमें मैं आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डाल रहा हूँ पिसी हुई, और तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। मैंने नमक कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसको बनाना है, उन्होंने खाना है उसके साथ केचप के साथ, तो केचप में सब कुछ होता है। हमारा बैटर बन गया। अभी इसके अंदर मैं डालूँगा 40 ग्राम कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसको डालते जाएँ आस्ता आस्ता, इसको ना मिक्स करते जाएँ इसके साथ। एक तो ये हमारा बैटर अच्छा बन जाएगा, उसके बाद ये कि बड़े क्रिस्पी बनेंगे ये। कॉर्नफ्लोर पाउडर इसके अंदर मिक्स हो गया है। अभी इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देता हूँ, रेस्ट देता हूँ आधा घंटा, उसके बाद हम लोग इसके रिंग बनाएंगे। ये देखिए जी, हमारी जो गार्लिक पोटैटो रिंग हम लोगों ने बनाए थे, उसके लिए जो हम लोगों ने डो बनाई थी आलू की, और उसमें मैदा वगैरह सब कुछ डाल के उसको रेस्ट देने के बाद अभी ये कम्प्लीट। अभी इसके मैं ऐसे वाले बॉल बनाऊँगा। ये बॉल बनाने के बाद इसको हम लोग ऐसी शेप दे देंगे, इसके बाद इसको ऐसे हम लोगों ने लंबा करना है। आप जितना मोटा रखना सक सकते हो, बारीक रखना है, जैसे आपका दिल करता है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हो। ये देखिए जी, मैंने इसको इतना बारीक कर लिया, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इधर मैंने मार्किंग की है, उसके साथ पेन के साथ मार्किंग कर दी है ताकि हम लोगों के रोल तकरीबन एक जैसे बने। इधर से मैंने काट दिया, काटने के बाद इसको आपने ऐसे ले के आना, थोड़ा सा ओवरलैपिंग करनी है इसके साथ ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए। ठीक है, इसको ऐसे करके उल्टा करके फिर इसको एक बार हल्का हल्का सब तरफ से एक जैसा कर दें ताकि ये ना हमारा सही बन जाए। ये देखिए जी, हमारा रिंग तैयार है। तो जितने से आप समझते हैं, जैसे ये टूटने वाला इधर से लग रहा है आपको टूट जाएगा, थोड़ा सा हाथों से इसको बराबर कर लें आप। ठीक, बना के ऐसे हम लोग इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए जी, हमारे गार्लिक पोटैटो रिंग बन चुके हैं। अभी इसको मैं फ्राई करता हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला है, तो ऑयल हल्का सा गर्म होता है, तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगा।
पोटैटो के जो रिंग बनाने ना आपने, उसको वो ये रिंग की शेप देने के बाद कम से कम 10 मिनट तक रेस्ट देनी है, तो उसके बाद फिर उसको फ्राई करना है। अभी ये 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको अभी मैं फ्राई करना शुरू करता हूँ। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये डालते हुए इसकी शेप ख़राब होती है, आराम से डालें ताकि इसकी शेप जो है ना राउंड ही रहे। ये देखें, ये देखिए जी, हमारे गार्लिक पोटैटो रिंग्स जो फ्राई हो रहे हैं, तो आप भी इसी तरह फ्राई करने कोशिश करें, डीप हो जाएं। डीप नहीं होता, ये देखना एक ये टूट गया है, इसकी बजाय ये इधर डीप नहीं था इसलिए वो टूट गया। तो बड़े मज़ेदार टेस्टी हैं ये, बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसमें से, खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आप भी घर पे बनाएं इंशाल्लाह, बहुत पसंद आएंगे सब बच्चों को ख़ास तौर पे। तो ये ऐसे करके आप जैसे बने इसको निकाल लें, ऑयल इसका अच्छी तरह ड्राई कर लें। ये देखिए जी, हमारे गार्लिक पोटैटो रिंग्स बन चुके हैं, तो बड़े ज़बरदस्त क्रंची हैं। आप भी घर पर बनाएं इंशाल्लाह ताला, बहुत पसंद आएंगे। केचप के साथ खाएं, केचप भी हम लोगों ने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको देखें दिखाता हूँ तोड़ के, ये देखें ये कितना देखें क्रंची है, ज़बरदस्त अंदर से पका हुआ। ये देखें, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।